ये क्या कह रहे हैं? मैम क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करने का कोई एक नाम? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा वशिष, SPM कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और ड्यूटा की करंट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ मैं। तो प्रदर्शन करने का कोई एक कारण तो है नहीं। आज आप देख रहे हैं इस मंच पे कर्मचारी, शिक्षक और छात्र सारे ही निकल के आए हैं। कई सारे मुद्दे हैं। अब हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेके, मैं प्रमोशन और अपॉइंटमेंट को लेके छोटा ही बात कह रही हूँ। मेजर मुद्दा क्या है? 7th पे कमीशन नहीं लगा। 7th पे कमीशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है जब तक कि 70-30% लागू नहीं हो जाता, मतलब सभी इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन के जितने भी कॉलेजेस हैं 30% वो अपना खर्चा खुद उठाएंगे कॉलेज के इंटरनल रिसोर्सेज से, तो गवर्नमेंट हमें बाकी का 70% देगी। अब इन हालातों में दिल्ली सरकार के जो कॉलेज हैं, ये कॉलेजेस मेंट हैं लार्जली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जो कि कुछ हज़ार रुपये भी फीस नहीं दे सकते। अगर मैं उन बच्चों से बोलूँगी कि तुम मुझे 2 लाख सालाना, 3 लाख, 4 लाख सालाना फीस दो ताकि मेरी सैलरी निकल सके, वो कहाँ से देंगे? दे कैन नॉट अफोर्ड। पहली बात ये, इसका मतलब कि लार्ज मासेस जो हैं, आप ये समझिए 60% बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा हायर एजुकेशन। जो बच्चे कोर्सेज कम हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे, शिक्षकों की सबकी जॉब्स तो जाएगी ही जाएगी, सैलरीज कहाँ से मिलेगी हमारी? और प्रमोशंस, परमानेंट अपॉइंटमेंट कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल आ रहा है। मतलब आज के टाइम पे ये हालात है कि PhD वन ऑफ द हाईएस्ट एकेडमी डिग्री है हमारे कंट्री की और लोग 10,000, 20,000, 25,000 पर भी पढ़ाने को तैयार है, एक पियोन से भी कम सैलरी कॉन्ट्रैक्चुअल। आप PhD MPhil वगैरह करते हैं, आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगता था, उसका क्या? वो भी सब खत्म हो गया। जो नया पे कमीशन में जो कंडीशन आ रही है उसमें वो कह रहे हैं MPhil PhD के 5 इंक्रीमेंट्स मिलते थे, MPhil के 3, वो सारे खत्म कर दिए गए। यानी कि हायर एजुकेशन, आप टीचर्स को डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप मत पढ़िए। एक तरफ आप कहते हैं कि रिसर्च में कंट्री का नाम ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा? कौन करेगा रिसर्च सर? तो डिजिटल इंडिया की भी तो बात करते हैं कि पूरा हम भारत को डिजिटल करेंगे और सब चीजें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा देते हैं, सब नारे दिए जा रहे हैं। बेटियां आज रोड पे है सारी की सारी। आप ये देखिए कौन सा माँ बाप, जो लड़कियां जो है हमारे कॉलेज में, SPM कॉलेज में हूँ, 4,000 फीस भी नहीं दे पाते। कई बच्चे ऐसे हैं, तो अगर मैं कहूँगी 4 लाख हो गई फीस, तो उनकी शादी में लगा के शादी ना कर देंगे कहीं, उनकी कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। पहले ये हाल सरकारी स्कूलों के साथ हुआ, आज के टाइम में हमारे सबके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई देखता ही नहीं है। वही हाल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज को अपंग बना रहे हैं, फंड्स नहीं देंगे, सैलरीज नहीं मिल रही है टीचर्स को। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो 28 कॉलेज हैं वहाँ पे सैलरीज तक रिलीज नहीं हुई है, तो बताइए उससे अलावा और क्या? आज यही तो कारण है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद 10,000 लोग जमा है इस समय, हर कोई निकल के आ रहा है। अगर आपकी मांगों पर अगर विचार नहीं होता तो आगामी योजना क्या रहेगी डूटा की? आगामी योजना पूरे महीने की फरवरी की तो बनी चुकी है। हम लोग और स्ट्राइक्स कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मासिव पब्लिक अवेयरनेस ताकि लोग इस बात को समझें कि हम आज सड़क पे क्यों हैं। आधा दिन मैं भी कॉलेज में क्लास पढ़ा कर बाकी टाइम अपना यहाँ दे रही हूँ, हम यहीं रुकेंगे ताकि जनता जाने कि वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, हम जा किस तरफ रहे हैं। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो मुझे लगता है शायद मैं अपने बच्चे को भी हायर एजुकेशन नहीं दिला पाऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से, क्योंकि हमारी सैलरीज कितनी मिलती है, क्या मिलता है हमें, उसमें हम घर चलाएं या फिर अपने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं फिर प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ा पाएंगे? ट्यूशन्स का अलग खर्चा है। तो तभी ये आज स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए, ये जानते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इनमें से बहुत बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। धन्यवाद।